संधान और गुजरात इंटीग्रेटेड क्लासरूम सैटेलाइट ना माध्यम थी जोड़ती कड़ी एटली संधान हेलो डियर फ्रेंड्स वेलकम टू द स्पेशल इंग्लिश लेक्चर सीरीज टेलीकास्ट बाय संधान डियर फ्रेंड्स माय सेल्फ Dr Janendra Jain from MB Patel Rashtrabhasha Arts and Commerce College today here I am going to discuss a story written by Ruskin Bond The Thief's Story This story the thief's story is there in The Golden Leaves recently prescribed by gujarat university this story belongs to semester 2 here in this story we shall discuss the story of the thief's story written by ruskin bond in nutshell and then question Answers and a short character sketch of the chief protagonist of the chief hero, dear friends. I expect you to be very careful and attentive while I am discussing this story, this lesson. At length, because the story is very interesting, and if you listen to this story attentively, I hope, I think, you will take minimum labor to prepare your question and answers. फॉर द एग्जाम पर्पस। तो मित्रों आइए चलते हैं सबसे पहले कहानी के जो निर्माता हैं, कहानी के जो लेखक हैं रस्किन बॉन्ड, उनकी छोटी सी जीवनी की ओर उनके छोटे से परिचय की ओर रस्किन बॉन्ड द थीप स्टोरी के रचयिता हैं, के लेखक हैं उन्होंने ये कहानी लिखी है जिनका जन्म उन्नीस कसौली में हुआ था ही राइट्स फॉर यंग एडल्ट्स यहां पर दो शब्दों का उपयोग किया गया है मित्रों यंग और एडल्ट्स कहने का मतलब यह है कि वो कोई छोटे बच्चों के लिए और बहुत ही बुजुर्ग लोगों के लिए नहीं लिखते वे लिखते हैं किशोर लोगों के लिए किशोर से मेरा मतलब है टीन जो किशोरावस्था में हैं उनके वे लेखक हैं किशोरावस्था में जो युवक युवती जो लड़के लड़कियां होते हैं उनके उम्र में उनकी संवेदनाएं क्या होती हैं उनकी परेशानियां क्या होती हैं उनकी उलझने क्या होती हैं उनके बारे में रस्किन बॉन्ड लिखते हैं और बहुत ही बेहतरीन लिखते हैं बहुत ही खूब लिखते हैं ही इज एन आइकन इमेज The contemporary Indian writers and also a top novelist, icon among the contemporary Indian writers, वो एक, एक प्रतिरूप है एक ऐसी प्रतिमा है आज के समकालीन भारतीय लेखकों में कि जिससे कई उभरने वाले लेखक भी प्रेरणा ले रहे हैं ऑल्सो अ टॉप नॉवेलिस्ट और एक बहुत ही ऊंचे दर्जे के अपने गुजराती में जिन्हें कहवा नव, नवल कथाकार हिंदी में जिनको कहते हैं उपन्यासकार एक ऊंचे दर्जे के टॉप नॉवेलिस्ट भी हैं ही वॉज अवॉर्डेड द साहित्य अकेडमी अवार्ड इन नाइनटीन हंड्रेड नाइनटी टू जिन्हें उन्नीस सौ बानवे में साहित्य अकादमी का जाना माना पुरस्कार प्राप्त हुआ ही वॉज ऑल्सो अवार्डेड द पद्मश्री इन 1999, हंड्रेड में उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया इन मैनी ऑफ हिज राइटिंग्स उनके कई लेखनों में वी फाइंड अ पिक्चर ऑफ द सोशल लाइफ सामाजिक जीवन के चित्र को हम उस, उनके लेखनी में देखते हैं उन्होंने जो कुछ लिखा है उन सभी लेखन में मध्यम वर्ग निम्न मध्यम वर्ग की परेशानी की उलझने उनकी वेदना उनके दुख को रस्किन बॉन्ड ने बखूबी रखा है वर्णन किया है और वो इस तरह से वर्णन करते हैं मानो वे स्वयं वे खुद उसी दिशा से गुजर रहे हों उसी से वो ताल्लुक रखते हो उसी दुख को वो समेट कर अपने हृदय में रखे हों और फिर पाठक मजबूर हो जाता है उनकी यात्रा के साथ यात्रा करने पर सोशल लाइफ एक शब्द का यहां उपयोग हुआ है सोशल लाइफ सामाजिक जीवन यानी कि रस्किन बॉन्ड सामाजिकता से परे नहीं है सामाजिक जीवन को वे अपनी कहानी में अपने उपन्यास में बखूबी व्यक्त करते हैं और मित्रों जैसा कि आप हम सब जानते हैं कि सामाजिकता में रहकर, इस समाज में रह कर के समाज की उलझनों को समाज की परेशानियों को हटाकर दूर रख कर के कोई भी व्यक्ति कोई भी लेखनी लिखता है कुछ भी लिखता है तो वो जीवन पर्यंत फेम का पॉपुलैरिटी का हकदार नहीं बन सकता वो खाली पन्नों में रह जाएगा पाठकों के दिमाग से वो चला जाएगा वो लेखक खाली पन्नों में पेजेस में रह जाएगा और पाठकों के दिमाग से चला जाएगा ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं मित्रों इसलिए कि आप लोग रामायण रामचरितमानस के रचयिता वाल्मीकि तुलसीदास और महाभारत के रचयिता वेदव्यास, मुनि वेदव्यास को आप लोग अच्छी तरह से भली भांति जानते हैं और उनके नाम भी आज आपके खाली केवल जबान पर नहीं है दिलो दिमाग में है वो क्यों क्योंकि उसमें सामाजिकता का वर्णन है न केवल धार्मिकता का वर्णन न केवल धर्म का वर्णन है बल्कि सामाजिकता का भी वर्णन है समाज में रही हुई कुरीतियों का वर्णन है उसमें रही हुए दुख का वर्णन है मीन्स ईच एंड एवरी काइंड ऑफ इल्स एंड इविल्स ऑफ द सोसाइटी हैव बीन डेपिक्टेड, हैव बीन डिस्क्राइब्ड इन दोज फेमस यूनिवर्सल एपिक्स ठीक वही चीज मैं यहां पर आप लोगों को बताना चाह रहा हूं मित्रों कि रेस्किन बॉन्ड ने भी अपनी कहानियों में और अपने उपन्यासों में समाज के उसी पहलू को छुआ है उसका वर्णन किया है और जो लेखक समाज को छूता है समाज के लोग उस लेखक को अपने दिलो दिमाग में चिरंजीव बना देते हैं वे हमेशा उसे याद रखते हैं ठीक वही बात यहां पर रस्किन बॉन्ड के लिए भी लागू होती है कि वी फाइंड अ पिक्चर ऑफ द सोशल लाइफ इन द द हिल ऑफ़ ही स्पेंट हिज चाइल्डहुड रस्किन बॉन्ड ने अपने बचपन को अपने लड़कपन को जहां बिताया कसौली हिमालय की गोद में है मित्रों जब कभी भी उनका मन उदास होता था वो हिमालय की इस कसौली के गांव की वादियों में की गलियों में उसकी वीथियों में घूमने निकल पड़ते थे और घूमते घूमते जो कुछ उन्हें सुझाई देता था जो कुछ वो सोचते थे उन सारी चीजों का वर्णन वो अपने एक स्टडी रूम में जाकर के उस पुराने टाइपराइटर के पास बैठ करके के उसे मुद्रित करने लगते थे और इस तरह से लिखी गई चीज कि जहां पर परम शांति है शैव्य शिव जी के दर्शन है और ऐसे शुद्ध वातावरण में आए हुए ख्याल आए हुए विचार मेरे ख्याल से तो चिरंजीव होते हैं और इन चिरंजीव ख्यालों को दिलो दिमाग में न रखकर उन्हें शब्दों का लिबास पहना देना વાક્યમે રસ્કિન બોન્ડને એક ચતુરાઈ કા કામ કિયા એક હોશિયારી કા કામ કિયા ઉનોને અપને દિલો દિમાગ મે આયે હુએ વિચારો કો શબ્દો કા લિબાસ પહેનાયા શબ્દો કા જામા પહેનાયા ઓર ઉસે એ જને જરે કેવાયા કે ટૂકી વાર્તાઓ નું રૂપ આપી દીધું નવલકથા નું રૂપ આપી દીધું અને એ ટૂકી વાર્તાઓ એ નવલકથાઓ આપણી સમક્ષ આજે પણ જીવંત છે आजे पढ़ हयात आज भी वो उपन्यास हमारे सामने जीवित है और ये कहानियां और ये उपन्यास हमसे कुछ वार्तालाप करते हैं कुछ कहते हैं और वो जो कथनी है मित्रों वो हमें झकझोर के रख देती है वो हमें बताती है कि हम अपना जीवन कैसे जिए हम हमारे जीवन में हम हमारे जीवन में किस प्रकार की केयर किस प्रकार की सावधानी बरतें किस व्यक्ति को किस नजरिए से देखें किस व्यक्ति को कहां पर हम माफ करें किस व्यक्ति को कहां पर हमें क्षमा दान दें ऐसी तो कई बातें मित्रों हैं और ये जो कई बातें हैं मित्रों ये रस्किन बॉन्ड की कई कहानियों में यत्र तत्र सर्वत्र बिखरी हुई हैं केवल एक लेखक हमसे यह चाहता है पाठक के तौर पर कि हम उसकी कहानी को केवल छुए नहीं केवल उसका आस्वाद न लें लेकिन उस कहानी को उसकी उनकी कहानी को उस लेखक की कहानी को पढ़ करके हम हमारे जीवन में भी उतारें लेखक खाली लिखने की खातिर नहीं लिखता मित्रों ऐसा कहा जाता है कि राइटर एन ऑथर इज गार्डियन ऑफ द सोसाइटी वो एक अभिभावक है समाज का वो एक अभिभावक है समाज में होने वाली चीज को वो बहुत ही गरिमामय ढंग से देखता है परखता है समझता है और उसको फिल्टर करके उसे शुद्ध करके और शुद्ध कैसे करता है अपने शब्दों के ज्ञान से शुद्ध करके वो कहानियों में रखता है और उपन्यास में रखता है कविताओं में रखता है महाकाव्य में रखता है खंड काव्य में रखता है रस्किन बॉन्ड का भी प्रयत्न यहाँ पर मित्रों इस कहानी में कुछ ऐसा ही है यहाँ पर जैसा कि अंतिम वाक्य में लिखा कि इन मैनी ऑफ हिज राइटिंग्स वी फाइंड अ पिक्चर ऑफ द सोशल लाइफ इन द हिल स्टेशंस ऑफ द हिमालयाज वेयर ही स्पेंट हिज चाइल्डहुड हुड ये तो था मित्रों रस्किन बॉन्ड के बारे में कि रस्किन बॉन्ड ने किस प्रकार से अपने जीवन में अपनी कथनी लिखी आइए मित्रों हम चलते हैं कहानी के सार पर सारांश पर द थीप्स स्टोरी कहानी को अगर हम नट शैल में देखें सारांश में देखें उसकी समरी देखें तो कुछ इस प्रकार से है मित्रों कि द थीफ्स स्टोरी इज ऑफ कोर्स अ स्टोरी ऑफ अ थीफ एक चोर की कहानी जैसा यथा नाम तथा था, गुण जिस प्रकार की कहानी है उसी प्रकार से उसमें वो पात्र है चोर की कहानी में यकीनन एक चोर है देर आर टू पर्सन इन दिस स्टोरी दो व्यक्ति हैं इस कहानी में प्रमुख दो व्यक्ति हैं इस कहानी में दीपक एंड अरुण दीपक इज एट द एज ऑफ फिफ्टीन मित्रों कहानी के साथ साथ चलिएगा मित्रों अपने ध्यान को भटकने मत दीजिएगा देखें बहुत ही सहज सरल कहानी है और उसको बहुत ही सहज और सरल ढंग से मैं प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा हूं कि दीपक इज एट द एज ऑफ फिफ्टीन दीपक केवल पंद्रह वर्ष का है अरुण इज एट द एज ऑफ ट्वेंटी अरुण बीस साल का है इन दिस स्टोरी इस कहानी में दीपक एंट्रेप्स अरुण टू चीट हिम एंड टू रोब हिम। इस कहानी में दीपक अरुण को चीट करने की कोशिश करता है उसे ठगने की कोशिश करता है और ठग करके उसे लूटने की कोशिश करता है उसके उसका आशय यह है उसका इरादा यह है कि इंटेंशन टू रोब हिम टू लूट हिम उसके पास जो धन दौलत है या जो माल है, वो लूटने के आशय से दीपक उसको फांसता है दीपक मीट्स अरुण एट द रेसलिंग मैच दीपक अरुण को कहाँ मिलता है अरुण जब एक रेसलिंग मैच देख रहा होता है एक कुश्ती की मैच चल रही होती है जब उसे देखता होता है तब दीपक अरुण को मिलता है दीपक मीट्स अरुण विथ अ चेंजिंग नेम्स दीपक अरुण को मिलता है एक अलग ही नाम से एक नए नाम से क्यों क्योंकि दीपक ने अब तक जिन जिन लोगों को लूटा है उन सभी को जिन जिन लोगों से पैसे हथियाए हैं मेलाफाइड इंटेंशन के साथ गलत आशय के साथ उन सब के साथ उन्होंने ये पाया जितने भी लोग लूटे गए उसके द्वारा उन सभी लोगों ने यह पाया कि दीपक ने हमेशा अपना एक अलग नाम रखा अलग नाम उन्हें बताया चेंजिंग नेम्स दीपक वॉन्टेड टू एंटर अरुण्स हाउस टू स्टील दीपक अरुण के घर में दाखिल होना चाहता था चोरी के आशय से ताकि ही लाइज दैट ही कैन कुक और वहां दाखिल होने के लिए वो ये झूठ का सहारा लेता है ये झूठ कहता है कि वो खाना बना सकता है वो भोजन बना सकता है अरुण सेज दैट ही विल कुक एंड ही विल गेट फूड अरुण भी उससे ये कहता है कि वो खाना पकाएगा खाना बनाएगा और उसके बदले में भोजन पाएगा फॉर टू टाइम्स दो समय इंस्टेड ऑफ सैलरी उसे सैलरी नहीं मिलेगी उसे कोई वेतन नहीं मिलेगा उसे दो टाइम का भोजन मिलेगा और उसके आ, बदले में उसे खाना बनाना होगा अरुण एंड दीपक एग्री डील अरुण और दीपक इस बात से सहमत होते हैं बात आगे बढ़ती है अरुण टेक्स दीपक टू तो हिज होम अरुण दीपक को अपने घर ले जाता है द इज रोल बाय इस तरह दिन बीतते हैं और समय आगे बढ़ता है अरुण नॉट ओनली टीचर्स दीपक अरुण केवल दीपक को पढ़ाता ही नहीं है लेकिन उसे एक अच्छा व्यक्ति बनाने की भी उसमें लालसा होती है और क्या पढ़ाता है उसे हाउ टू राइट हिज नेम किस तरह से वो नाम अपना लिखे बट ऑल्सो हाउ टू कुक ये भी उसे सिखाता है कि भोजन कैसे बनाया जाता है दिस इज हाउ बोथ ऑफ लिव द लाइव और इस तरह से दोनों अपना अपना जीवन व्यतीत करते हैं और डेज रोल बाय और दिन और गुजरते हैं दीपक कुड नॉट फाइंड एनी वेज टू स्टील मनी और इन सारे दिनों में दीपक को कहीं ऐसा नहीं लगता कि वो कहां से पैसों चुराए कहां से रकम चुराए धन दौलत चुराए अरुण ऑन द अदर हैंड अरुण दूसरी तरफ पुट कंप्लीट फेथ ऑन दीपक अरुण जो हृदय से वास्तव में शरीफ इंसान है वो पूरी की पूरी श्रद्धा दीपक पर रखता है एंटायर फेथ ही कीप्स अरुण कीप्स एंटायर फेथ कंप्लीट फेथ ऑन दीपक दीपक में पूरी श्रद्धा रखता है अरुण चूंकि एक शरीफ इंसान है तो उससे हर व्यक्ति में शराफत दिखाई देती है वन इवनिंग देखिए सेकेंड पैराग्राफ नेक्स्ट पैराग्राफ वन इवनिंग अरुण कम्स बैक होम एक शाम इस तरह मित्रों जैसा कि पहले अनुच्छेद में फर्स्ट पैराग्राफ में हमने देखा कि किस तरह से दीपक और अरुण की मुलाकात होती है दीपक अरुण के घर में दाखिला लेता है एंटर हो जाता है और उससे कहता है कि भाई वो खाना बना सकता है अरुण उसके सामने शर्त रखता है कि उसे खाना बनाना है और दो टाइम का भोजन करना है उसे सैलरी नहीं दी जाएगी दोनों इस डील पर एग्री होते हैं सहमत होते हैं अरुण उसे न केवल भोजन देता है बल्कि उसे पढ़ाता लिखाता भी है उसका उ, 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 उसे उसका नाम लिखना सिखाता है और इस तरह से दिन बीतते हैं लेकिन दीपक को एक भी ऐसा मौका नहीं मिलता है कि वो अरुण के पास से कुछ हड़प कर सके और लेके भाग सके कुछ पैसा लेकर के छूमंतर हो जाए लेकिन एक मौका आता है जिस दिन एक शाम अरुण कम्स बैक होम सेकेंड पैराग्राफ मित्रों अरुण कम्स बैक होम शाम को वो वापस घर लौटता है विथ अ बंडल ऑफ नोट्स और उसके हाथ में नोटों का बंडल है कई सारे नोट्स हैं करेंसी ही पुट्स द नोट्स अंडर हिज पिलो, वो सारे के सारे नोट अपने तकिए के नीचे रखता है एंड गोज़ टू स्लीप और सोने चला जाता है इवनिंग पासिस शाम बीतती है नाइट फॉल्स रात होती है अरुण गेट्स फास्ट एड स्लीप अरुण प्रगाढ़ निद्रा में फास्ट एड स्लीप सो जाता है दीपक कड नॉट स्लीप लेकिन दीपक के मन में चोर है दीपक खुद चोर है उसके मन में चोर है दीपक खुद चोर है वो नहीं सो पाता है वो जो चोरी का कीड़ा है उसके दिमाग में दिलो दिमाग में बिलबिलाता रहता है और वो कीड़ा उसे सोने नहीं देता है वो बार बार उसका बार बार ध्यान अरुण के तकिए के नीचे रखे हुए नोट की तरफ जाता है और ये जो ध्यान है उसे बेध्यान करता है उसके फर्ज से उसे बेध्यान करता है उन नोटों की गड्डी की तरफ उसका ध्यान बार बार जाता है वो सो नहीं पाता है ही वॉज स्लीपलेस वो निद्रा के अधीन नहीं है वेड ऑफ नोट्स कीप्स ऑन अट्रैक्टेड अट्रैक्टिंग हिम नोटों का बंडल वो नोटों की थप्पी बार बार उसे आकर्षित करती है अपनी ओर बार बार उसे खींचती है अपनी ओर ही वॉन्ट्स टू स्टील इट उसका मन कहता है कि आओ इसे चुरा लें हम उसका मन और दीपक मिलकर एक दूसरे से बात करते हैं कि चलो अरुण के तकिए के नीचे जो बंडल रखे हैं पैसों के उसे हम चुरा लें और यही होता है मित्रों एंड टू कैच द ट्रेन एट टेन थर्टी टू अमृतसर और चुरा करके वो तुरंत अमृतसर साढ़े दस बजे वाली रात की ट्रेन में बैठ करके अमृतसर भाग जाए चला जाए वहां से अरुण को हमेशा के लिए छोड़ करके ही मेक्स इट क्विक वो तुरंत ये सारा काम करता है इस काम को वो तुरंत अंजाम देने की कोशिश करता है आगे बढ़ता है ही स्टील्स द अमाउंट अरुण के तकिए के नीचे जो पैसों का बंडल रुपयों का बंडल रखा हुआ है वो आगे बढ़ता है और धीरे से उन नोटों के बंडल को सरका लेता है खींच लेता है यानी कि चोरी कर लेता है अरुण को पता भी नहीं चलता है ही रशेस टू द रेलवे स्टेशन और रेलवे स्टेशन की ओर दौड़ जाता है दीपक इज ईगरली वेटिंग फॉर द ट्रेन दीपक उत्सुकतापूर्वक ट्रेन के आने की राह देख रहा है और उसी समय मित्रों इट स्टार्ट्स रेनिंग बारिश का मौसम है बारिश की सीजन है बरसात होने लगती है स्लोली बट क्विकली धीमे धीमे लेकिन तुरंत दीपकस हार्ट स्टार्ट्स थ्रोबिंग धीमे लेकिन तुरंत दीपक का हृदय धड़कने लगता है ज़ोर ज़ोर से एंड सिंग्स रैपिडली और उसे निरुत्साह जैसा महसूस होता है ही इज फीलिंग डिस्पिरीटेड क्यों मित्रों देखिए ऑल ऑफ अ सडन अचानक नोइंगली और अनोइंगली जाने में या अनजाने में सायास या अनायास अरुण्स जेंटिलिटी कम्स इन टू दीपक माइंड अरुण की सज्जनता दीपक के मन में कहीं आकर के घर कर जाती है अरुण की सज्जनता दीपक पर हावी होने लगती है अरुण की सज्जनता दीपक के सामने आकर के मानव मूर्त रूप खड़ी हो गई है उससे बतियाने लगती है उससे बातचीत करने लगती है और दीपक मन ही मन हतोत्साहित होने लगता है निरुत्साहित होने लगता है कि अब वो करे तो क्या करे? अरुण फेवर्स वॉक्स डाउन इन टू हिज हार्ट अरुण ने जो भी कुछ मेहरबानियाँ की थी वो दीपक के मन में एक के बाद एक आने लगती हैं मीन वाइल तभी द ट्रेन अराइव तभी क्या होता है मित्रों कि ट्रेन आती है अमृतसर को जाने वाली ट्रेन आ जाती है क्विकली तुरंत ही गोज बैक होम तुरंत वो वापस घर की ओर लौटने की कोशिश करता है ही सीज दैट द नोट्स आर डैम्प विथ रेन वाटर यहाँ पर वो डिलेमा में है मित्रों यहाँ पर वो क्या करें क्या ना करें टू बी और नॉट टू बी वाली सिचुएशन क्या करे क्या ना करें वो वापस अमृतसर चला जाए या वापस वो अरुण के पास चला जाए ये चीज़ उसको खाए डालती है वो सोचता रहता है कि उसे क्या करना है ट्रेन आती है और ट्रेन में वो चढ़ नहीं पाता है ट्रेन वो पकड़ नहीं पाता है और सोच रहा है कि वो वापस जाए या ट्रेन पकड़ करके अमृतसर जाए ही सीज दैट द नोट्स आर डैम्प विथ रेन वाटर लेकिन उसकी वो अंतरात्मा जो उसको कचोट रही है वो गिल्टी कॉन्शियस फील कर रहा है उसकी अंतरात्मा उसे धिक्कार रही है तो अंत में वो ये निर्णय करता है कि नहीं उसे अमृतसर नहीं जाना है उसे वापस अरुण के पास जाना है अरुण के पास लौटने के लिए वो पूरे पूरे साहस जुटाता है और अरुण के घर की ओर दौड़ पड़ता है चूँकि मित्रों मैंने कहा कि बारिश की सीजन है बारिश हो रही है और उन बारिश के पानी से बारिश की बूंदों से उसके हाथ में रहे नोट्स जो हैं वो भीग जाते हैं

चुराना तो आसान है लेकिन वापस उससे अनडिटेक्टेड उसी जगह पर रख देना बहुत मुश्किल है अनडिटेक्टेड से मेरा मतलब है बिना किसी के देखे बिना किसी के जांचे उस चीज़ को वापस यथा योग्य स्थान पर रख देना बहुत मुश्किल है इसलिए वहां पर वो सोचता है कि इट इज इजियर टू स्टील समथिंग देन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड अन इन्वेस्टिगेटेड अन नोटिस्ड ऑन द नेक्स्ट मॉर्निंग दूसरी सुबह अरुण मेक्स द टी एंड वेक्स दीपक अरुण चाय बनाता है और दीपक को उठाता है दीपक इज नॉट एबल टू फेस अरुण दीपक अरुण का सामना नहीं कर पाता है बट दीपक गेट्स कंसोल्ड वेन अरुण सेज टू हिम दैट ही वुड पे हिम रेगुलरली दीपक अरुण की आंखों में आंखें डाल करके नहीं देख पाता है जब वो चाय उसके सामने रखता है अरुण दीपक के सामने और कहता है उसे ये सांत्वना देता है कि दीपक अब तुझे घबराने की आवश्यकता नहीं है अब मैं तुझे रोज हर रोज पैसे दिया करूंगा बस इतना कह करके अरुण भी चुप दीपक भी चुप और कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है यहाँ पर लेखक किसी भी प्रकार का कोई अर्थघटन नहीं करते हैं कि कौन सही था या कौन गलत था ये तो हमको देख लेना है मित्रों ये हमारा ऑब्जर्वेशन है ये हमारा निरीक्षण है कि हमें किसको सही मानना है और किसको गलत मानना है या दोनों को सही मानना है ये हमारा निरीक्षण है यह हमारा व्यू पॉइंट है कि कौन अंत में सुधर गया मित्रों कहते हैं एक बहुत ही खूब प्रोवर्ब हिंदी में है कि सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो मित्रों उसे भूला नहीं कहते ठीक उसी प्रकार से दीपक के साथ भी यही हुआ कि अंत में अरुण की शराफत दीपक पर इस कदर हावी होती है कि दीपक को लौट करके आना पड़ता है दीपक को वापस आना पड़ता है बस यही रस्किन बॉन्ड इस कहानी के मार्फत हमारे सामने रखना चाहते हैं मित्रों मित्रों आइए क्वेश्चन और आंसर की ओर चलते हैं अभी तक आप लोगों ने कहानी के उस पहलू को देखा कि कहानी में आ, आदि से अंत तक कौन सी चीज़ कौन सा पात्र आप लोगों के सामने आता है और वो पात्र वो कैरेक्टर किस प्रकार से हमारे हमारी मानसिकता पर अंकित होता है तो उसी के तहत उसी के मुतलक रिलेटेड टू The description of the story. Let us see the questions and answers. First question: Who was Deepak? What was his real name? Deepak kaun tha aur uska vastavik naam kya tha Deepak आंसर देखिए, उत्तर देखिए कि Deepak was a young boy of fifteen. Deepak पंद्रह वर्षीय एक नवयुवक था. He was poor. एंड डिसऑनेस्ट बाय नेचर वो गरीब था और स्वभाव से बेईमान था ही चेंज्ड हिज नेम्स मैनी अ टाइम्स उसने कई बार अपना नाम बदला था जब कभी भी वो किसी को लूटता किसी को ठगता वो अपना नाम बदलता ही चेंज्ड हिज नेम्स मैनी अ टाइम कई बार उसने अपना नाम बदला था सम ऑफ हिज नेम्स आर मैंशनड इन द लेसन इस पाठ में उसके नाम की फहरिश्त दी गई है उसके नाम की सूची भी दी गई है जिस प्रकार से वो अपने नाम बदलता है वे नाम हैं दे आर रणबीर सुधीर त्रिलोक एंड सुरेंदर इस प्रकार से वो अपने अलग अलग नाम रख करके लोगों को अलग अलग नाम से अपनी पहचान बताता और उनको लूटता ठगता तो ये तो हुआ मित्रों पहला क्वेश्चन हु वॉज दीपक एंड वॉट वॉज हिज रियल नेम दूसरा प्रश्न है वाई वॉज दीपक फीलिंग लोनली इन द स्टेशन वाई वॉज दीपक फीलिंग लोनली इन द स्टेशन स्टेशन में रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर जब दीपक था तो वो अपने आप को अकेला क्यों महसूस करता है अकेला क्यों महसूस करता है वो अपने आप को तनहा क्यों महसूस करता है देखिए आंसर हैविंग स्टोलन मनी पैसे चुराने के बाद हैविंग स्टोलन मनी पैसे चुराने के बाद दीपक क्विकली गोज टू द रेलवे स्टेशन दीपक तुरंत रेलवे स्टेशन जाने के लिए रवाना होता है टू कैच ट्रेन टू अमृतसर अमृत पहुंचाने अमृतसर पहुंचाने वाली ट्रेन को पकड़ने के लिए तुरंत दीपक रेलवे स्टेशन रवाना होता है द ट्रेन अराइव ट्रेन का आगमन होता है बट दीपक डजेंट अबोर्ड लेकिन दीपक उसमें चढ़ता नहीं है दीपक उसमें एंट्री नहीं लेता है प्रवेश नहीं लेता है ही इज इन डिलेमा वो एक प्रकार की दुविधा में है टू बी और नॉट टू बी जो मैंने कहानी आ, का वर्णन किया था आ, वो वाली बात के वो डिलेमा में है वो दुविधा में है ही फील्स गिल्टी कॉन्शियंस उसकी अंतरात्मा उसे कचोटती है उसकी अंतरात्मा उसे धिक्कारती है फील्स ही हैज चीटेड अ पर्सन उसे ऐसा महसूस होता है उसे ऐसा लगता है कि उसने एक ऐसे व्यक्ति को ठगा है हु हैज पुट कंप्लीट फेथ इन हिम उसने एक ऐसे व्यक्ति को ठगा है कि जिस व्यक्ति ने उसमें उस पर कंप्लीट फेथ संपूर्ण विश्वास किया था उसका मन ही मन अंदर ही अंदर उसे धिकारता है उसका मन कचोटता है कि एक ऐसे व्यक्ति के साथ उसने विश्वासघात किया है कि जिस व्यक्ति ने उसके ऊपर कंप्लीट फेथ रखा था तो यह मामला तो पूरा विश्वासघात का हुआ ही इज अ टीचरस मैन और एक ऐसे विश्वासी का मन कचोटना वास्तव में एक ह्यूमन बीइंग होने की निशानी है यह चीज यहां पर इस प्रश्न में स्पष्ट होती है मित्रों अंतिम वाक्य है इस प्रश्न का द ट्रेन गोज अवे ट्रेन जिस प्रकार से आती है उस प्रकार से बिना दीपक को लिए चली जाती है ही इज लेफ्ट अलोन वहां पर वो अकेला रह जाता है ये मित्रों इस प्रश्न में आप लोगों को मान लो ये प्रश्न बड़ा लगता है तो इस प्रश्न में से आ, कुछ एक वाक्य आप ओमिट भी कर सकते हैं लेकिन पहले दो तीन वाक्य तो लाजमी है लिखना पहले दो तीन वाक्य तो आपको लिखना ही है ही फील्स गिल्टी कॉन्शियंस ही फील्स ही हैज चीटेड अ पर्सन ये वाले वाक्य को अगर आप चाहें तो ओमिट कर सकते हैं लेकिन पहले तीन एक वाक्य और अंतिम दो वाक्य आपको लिखना अति आवश्यक है और फिर कमेंट ऑन द टाइटल ऑफ द स्टोरी द थीफ्स स्टोरी क्वेश्चन आंसर के साथ साथ मित्रों आप लोगों को शॉर्ट नोट भी पूछी जाती है अपने जिन्हें कहवा है टू कॉन्ध तो अलोंग विथ द प्रेपरेशन ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर्स यू कैन ऑल्सो प्रिपेयर सम शॉर्ट नोट्स एंड अंडर द शॉर्ट नोट्स यू कैन प्रिपेयर दीज टू शॉर्ट नोट्स लाइक फर्स्ट द टाइटल ऑफ द स्टोरी द थीप्स स्टोरी और जो दूसरा है वो अरुण का कैरेक्टर स्केच सबसे पहली शॉर्ट नोट जो है वो हम देखते हैं मित्रों कि कमेंट ऑन द टाइटल ऑफ द स्टोरी द थीप्स स्टोरी चोर की कहानी इस कहानी इस लेसन का जो शीर्षक है उसे समझाइए तो मित्रों समझाने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं अभी तक मैं वही समझा ही रहा था आपको केवल आपको थोड़ा सा भाषा का प्रभुत्व आपको बढ़ाना है और अपने उस भाषा के प्रभुत्व से आपको पूरी की पूरी कहानी का शीर्षक आप लोगों को समझा देना है कहानी अभी तक आप लोगों ने जो पढ़ी जो देखी स्लाइड पर उसमें से कुछ एक वाक्यों को लेकर आपको इस कहानी के शीर्षक को समझाना है देखिए फिर भी इसे हम डिटेल में देखते हैं कमेंट ऑन द टाइटल ऑफ द स्टोरी द थीफ्स स्टोरी आंसर है रस्किन बॉन्ड हैज गिवन एन अप्रोप्रिएट टाइटल ऑफ द स्टोरी रस्किन बॉन्ड ने कहानी का योग्य शीर्षक दिया है बॉन्ड ने कहानी को वास्तव में योग्य शीर्षक से नवाजा है दूसरा वाक्य है द स्टोरी एक्सपोज द लाइफ ऑफ अ थीफ दूसरा वाक्य बिल्कुल सटीक बिल्कुल सचोट वाक्य कि जो कहानी है वो एक चोर के जीवन को उजागर करती है एक चोर के जीवन को हमारे सामने रखती है दीपक इज शोन अथीफ इन द स्टोरी। दीपक नाम के पात्र को कहानी में चोर के रूप में बताया गया है बट दिस इज ऑल्सो शोन लेकिन यह भी बताया गया है दैट ही इज नॉट थीफ फ्रॉम द कोर ऑफ हिज हार्ट मित्रों दीपक को कहानी में चोर तो बताया गया है लेकिन अगला जो वाक्य है वो ये कहता है कि चोर के साथ साथ ये भी बताया गया है कि दीपक हृदय से चोर नहीं है जन्मजात चोर नहीं है शायद समाज की कुछ कुरीतियों ने समाज के कुछ ऐसे पहलुओं ने उसे चोर बनाया हो तो कहने का मतलब यह मित्रों कि दीपक बाय बर्थ चोर नहीं है यह भी कहानी बताती है अंत में ही रोब्स अरुण छोटे छोटे वाक्य मित्रों ताकि आपको याद रह जाए ही रोब्स अरुण अरुण को वो लूटता है उसको ठगता है अरुण अ पर्सन हु इज सिंपल एंड सोबर अरुण एक ऐसा व्यक्ति जो सीधा साधा है स्वभाव से ए पर्सन हु ट्रस्ट दीपक एक ऐसा व्यक्ति जो दीपक पर भरोसा करता है ही दीपक। दीपक वो दीपक को पढ़ाता है लिखाता है उसे नाम कैसे लिखा जाए उसे अपना नाम कैसे लिखा जाए यह बताता है यह सिखाता है दीपक लर्नस टू राइट हिज नेम अमुक समय के बाद एक ऐसा समय आता है अमुक दिनों के बाद एक ऐसा समय आता है कि दीपक अपना नाम लिखना सीख जाता है बट दीपक फर्गेटिंग ऑल अरुण्स गुड डीड्स लेकिन दीपक जो वास्तव में एक चोर है वो अरुण के इन सारे सत्कार्यों को भूल जाता है फर्गेटिंग ऑल हिज गुड डीड्स स्टील्स मनी पैसे चुराता है अरुण के पास जो पैसे रखे हुए हैं वो पैसे चुराता है एंड ट्राइस टू एस्केप टू अमृतसर और अमृतसर जाने के लिए रवाना होने की कोशिश करता है रवाना होता है ही इज नॉट अल यहां एक वाक्य में यह भी कहा गया है कि वो एक वास्तविक जिन्हें कहवा रीढ़ो गुनेगार नहीं अपने गुजराती में कही रीढ़ो गुनेगार तो दीपक એ કોઈ રીઢો ગુનેગાર નથી જન્મજાત ગુનેગાર નથી જન્મજાત ચોર નથી વાર્તા કંઈક આપણને આવું પણ કહી જાય છે દેન વોટ હેપન્સ ઇફ હી ઇઝ નોટ અ સીઝન્ડ ક્રિમિનલ બાય બર્થ દેન વોટ હેપન્સ હિઝ કોન્શિયન્સ બાઇટ્સ હિમ ઉસકી અંતર આત્મા આપણે જેને કહેવાય ગુજરાતીમાં કે ડંખે છે એની અંતર આત્મા એને ડંખે છે उसकी अंतरात्मा कचोटती है हिज कॉन्शियस बाइट से हिम दैट यू फुलिश मैन यू आर चीटिंग सच अ पर्सन सच एन ऑनेस्ट सिंपल एंड सोबर पर्सन हु हैज पुट कंप्लीट फेथ इन यू इस प्रकार के वाक्य अरुण जो भी कुछ सोब्राइटी जेंटिलिटी दीपक के साथ बताता है वो सारी चीजें उसको याद आती हैं वही चीज जो मैंने आप लोगों को पहले बताई जब हम आ, कहानी को नटशेल में देख रहे थे सारांश में देख रहे थे कि हिज कॉन्शियंस ही गोज बैक होम रिमोर्सफुल्ली ही गोज बैक होम रिमोर्सफुल्ली वो पछतावे के साथ पश्चाताप के आंसुओं के साथ घर वापस लौटता है वापस आता है सो so,

मित्रों अरुण एक मुख्य पात्र इस कहानी का इस कहानी का एक दूसरा पहलू दीपक भी है दीपक को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते दीपक के पात्र पर तो कहानी का शीर्षक है मित्रों दीपक के पात्र को हमने भली भांति टाइटल ऑफ द स्टोरी में देखा आइए देखते हैं अरुण के पात्र को अरुण इज अ मैन ऑफ सिंप्लिसिटी अरुण सादगी वाला व्यक्ति है एना जीवन में सादाइच है ही इज़ीली ट्रस्ट उसकी एक बात जो सबको छूती है वो ये कि वो सहज सरल ढंग से सब पर विश्वास कर लेता है ही इज एट द एज ऑफ ट्वेंटी वो केवल 20 साल का है सिंपल एंड काइंड पर्सन्स आर ईजीली डिसीव्ड ऐसा कहा जाता है कि जो सीधे सादे और दयालु लोग होते हैं उन्हें ठगना आसान होता है एमने छेतरव बहुज सरल सादाई भरियों जीवन जीवे चे। जे लोग दयाड़ू हो चे। जे लोग ममता हो करुणा हो बहुज सहलाई थी छेतराई जाए तो ठीक अरुण के साथ भी मित्रों वही है कि अरुण एक सीधा साधा इंसान है जिसे दीपक ने ठगा है अगला वाक्य देखिए मित्रों ही रिक्रूट्स अ बॉय रिक्रूट्स यानी मित्रों एक शायद आप लोगों को ये शब्द कठिन लगे रिक्रूट्स यानी कि जॉब देना नौकरी पर रखना एक ऐसे लड़के को नौकरी पर रखता है जिसका नाम दीपक है नेम्ड दीपक फॉर हाउस कीपिंग घर को सुरक्षित रखने के लिए घर को व्यवस्थित रखने के लिए हाउस कीपिंग यानी घर को व्यवस्थित रखने के लिए वो एक लड़के को जॉब पर रखता है काम पर रखता है जिसका नाम दीपक है ही वुड कुक फूड फॉर अरुण वो अरुण के लिए भोजन बनाएगा और घर को सुव्यवस्थित रखेगा इन रिटर्न उसके बदले में दीपक वुड गेट ओनली फूड फॉर टू टाइम्स अरुण दीपक को दो वक्त का भोजन देगा अरुण इज चीटेड बाय दीपक लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है जैसे जैसे अरुण और दीपक का जीवन आगे बढ़ता है अरुण को पता चलता है कि दीपक ने उसे ठगा है उसे लूटा है अरुण्स मनी इज स्टोलन अरुण के पैसे चोरी होते हैं अरुण नोज एवरीथिंग अरुण सब कुछ जानता है अरुण किसी भी घटना से नावाकिफ नहीं है अरुण दीपक के हृदय में दिमाग में चलने वाली सारी बातों को भी जानता है मगर शायद वो अनदेखा करता है क्यों क्योंकि वो करुणा का इंसान है क्योंकि वो सादाई में मानता है सिंप्लिसिटी में मानता है सादगी में मानता है उसके मन में परोपकार है उसके मन में श्रद्धा है उसके मन में विश्वास है वो किसी पर भी सरलता से विश्वास कर लेता है इसीलिए यहाँ इस वाक्य में अरुण नोज एवरीथिंग अरुण सब कुछ जानता है बट ही डजेंट रिवील एनी लेकिन कुछ भी वो उजागर नहीं करता कुछ भी वो सामने से होकर के दीपक के समक्ष उसकी असलियत बयान नहीं करता अरुण इज सो जनरस अरुण बहुत ज्यादा उदार है इतना ज्यादा उदार है दैट ही कीप्स दीपक सेल्फ रिस्पेक्ट यहां तक कि वो दीपक की सेल्फ रिस्पेक्ट मित्रों सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत बड़ी चीज होती है आत्म रिस्पेक्ट खुद के सम्मान को आत्मसम्मान उसके सेल्फ रिस्पेक्ट को वो धक्का नहीं पहुंचाता उसे ठोकर नहीं लगाता अरुण इज सो जनरस दैट ही कीप्स दीपक सेल्फ रिस्पेक्ट इन इतना ज्यादा अरुण उदार है कि वो दीपक के आत्मसम्मान को यथोचित रखता है उसे टूटने नहीं देता उसे इंटैक्ट रखता है उसे मजबूत बनाए रखता है इतना करने के बाद भी वो दीपक से कोई बदला नहीं लेता इतना करने के बाद भी वो दीपक से किसी भी प्रकार के प्रतिशोध की कामना नहीं करता वो उसे क्षमा दे देता है क्षमा दान देता है वो उसे माफ़ कर देता है अरुण इज इंडीड इंडीड का मतलब है मित्रों यकीनन, वास्तव में अ मैन ऑफ मर्सी वास्तव में अरुण मित्रों एक करुणा का व्यक्ति है उसमें करुणा कूट कूट के भरी हुई है उसमें करुणा वास्तव में है काइंडनेस दयालुता का इंसान है वो एंड जनरोसिटी और उदारता का इंसान है उसमें उदारता है और मित्रों ये तीनों गुण मर्सी काइंडनेस और जनरोसिटी करुणा दयालुता और उदारता अरुण को उस ऊंचाई पर रख देते हैं कि जहां से दीपक के गुना उसे छोटे क्षुल्लक नजर आते हैं और इसी कारण से उसकी महानता और उसका बड़प्पन उसका मैच्योरिटी लेवल उसकी उसकी परिपक्वता शिखर पर पहुंच जाती है और वहां से दीपक की सारी भूलों को वो माफ कर देता है इसलिए तो कहा गया है मित्रों हिंदी में कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो उसको क्या जो दंतहीन विषरहित विनीत सरल हो अरुण के पास सब कुछ है वो जानता है वो पहचानता है दीपक को अच्छी तरह पहचानता है वो चाहता तो उसे खदेड़ करके अपने घर से बाहर कर देता लेकिन वो ऐसा नहीं करता वो ऐसा बिल्कुल नहीं करता वो ऐसा कतई नहीं करता क्योंकि वो समझता है कि अगर मैंने उससे जिन्हें आप कही है, कि जो अरुणे दीपक ने ये समय तरछोड़ी मुख्य होत तो कदाच फरी थी दीपक सुधर्यो न होत પણ એના મનમાં પણ અરુણ જેવા લોકો પ્રત્યે પ્રતિશોધની બદલા લેવાની ભાવના વધારે જાગૃત થાત અને દીપક પછી આવા ઘણા બધા અરુણ જેવા લોકોને એને પોતાનો હાથો બનાવ્યો હોત પોતાનો શિકાર બનાવ્યો હોત બટ અરુણ ડઝન્ટ ટેક એની કાઇન્ડ ઓફ વેન્જન્સ Against Deepak. On the contrary, on the other side, on the other hand, Arun forgives him. For what purpose? Only seeing that he gives a kind of time, a kind of condition to Deepak so that he can be transformed, so that his heart can be transformed, so that दीपक कैन बिलीव इन अरुण सो दैट दीपक कैन बिलीव इन मर्सी सो दैट दीपक कैन बिलीव इन काइंडनेस सो दैट दीपक कैन बिलीव इन जनरोसिटी इन जनरल नोट ऑफ अरुण सर ताकि अरुण की जनरोसिटी में नहीं लेकिन सामान्य रूप से काइंडनेस में जनरोसिटी में और मर्सी में वो विश्वास करना शुरू कर दे इसी आशय से अरुण दीपक को माफ करता है तो मित्रों यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने द थीप्स स्टोरी को शुरुआत से अंत तक देखा समझा सबसे पहले रिस्क इन बॉन्ड के बारे में थोड़ा सा जिक्र उसके बाद द थीप्स स्टोरी को नटशेल में सारांश में और उसके बाद क्वेश्चन आंसर और उसके बाद शॉर्ट नोट मित्रों इसी तरह से आप लोग इस पूरे आ, लेसन को पूरी स्टोरी को आप लोग समझेंगे ऐसी आशा है ऐसी दरख्वास्त भी है और इसी दरख्वास्त के साथ हम लोग फिर अगली बार अगले लेसन के साथ मिलेंगे तब तक के लिए आप लोगों को अलविदा टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड ऑफ योर स्टडी ऑल द बेस्ट थैंक यू वेरी मच સંધાન ઓ ગુજરાત ઇન્ટિગ્રેટેડ ક્લાસરૂમ સેટેલાઇટના માધ્યમથી જોડતી કડી એટલે સંધાન